इस सेक्शन में अब हम शॉर्ट क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके चैप्टर के एंड पे गिवन है और देखेंगे कि हाउ टू आंसर दैम सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ वुड यू डिफाइन फर्मेंटेशन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने फर्मेंटेशन को डिफाइन करना है लेकिन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी ये उन्होंने क्यों पूछा है क्योंकि ओल्ड टाइम्स में जो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट थी फर्मेंटेशन को अगर हम इस टाइम पर डिफाइन करें तो फर्मेंटेशन इज अटा इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय बैक्टीरिया यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब फर्मेंटेशन की जब बात बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस से होती है तो हम ये कहते हैं कि फर्मेंटेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन वो फूड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं वो बेवरेजेस भी हो सकती हैं वो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स भी हो सकते हैं वो कोई ऑर्गेनिक केमिकल भी हो सकता है सो एनी ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो फर्मेंटेशन के अंदर आ जाती है सो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारी बातें लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मेड बाय फर्मेंटेशन ऑल्सो डिस्क्राइब देयर यूजेज इन इंडस्ट्री अब नीचे आप इसका आसान तरीका यह है कि एक छोटा सा टेबल बना लें उसमें आप प्रोडक्ट्स बता दें फॉर्मिक एसिड और इथेनल की बात हो रही है फिर आप माइक्रो ऑर्गेजम्स बता दें कि उसमें क्या यूज हो रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड के लिए हम स्पर्जुलस यूज कर रहे होते हैं इथेनॉल के लिए हम सेक्रोमाइसिस यूज कर रहे होते हैं और आप इन दोनों के यूजेस भी आगे लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की दो प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्या हैं तो जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था कि फर्मेंटेशन की जो है वो दो टाइप्स की होती है द फर्स्ट वन इज़ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन अब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है वो यीस्ट के थ्रू हो रही होती है और हम उसको ब्रेड बियर वाइन और डिस्टल स्पिरिट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं जबकि जो इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन है वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही होती है और ये हमारी डेयरी इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है इन द मेकिंग ऑफ चीज़ and other dairy products. The next question is, give an example how biotechnology is helping for better environment. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि biotechnology का environment की betterment में क्या रोल है तो आप इसके आंसर में लिखेंगे आप बताएंगे कि इन्वायरमेंटल इशूज़ जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल है और डेवलपमेंट ऑफ़ रीन्यूएबल रिसोस है एनर्जी के उनमें यूज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी फिर आप रिस्टोरेशन ऑफ़ डिग्रेडेड लैंड्स का बता सकते हैं बायोडावर्सटी कंजर्वेशन का बता सकते हैं बैक्टीरियल इन्जाइम्स जो यूज़ होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में उनका बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि बायो पेस्टिसाइड्स बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो सेंसर्स में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है और ये सारी जगहों पर हम बायोटेक्नोलॉजी को इन्वायरमेंट की बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो आप सब ये लिख दें इस क्वेश्चन दे, के अंदर दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बायोटेक्नोलॉजी व्हाट इज meant by genetically modified organism how is it made अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे दो चीजें उन्होंने पूछी हैं तो आप सबसे पहले जीएमओ बता दोगे कि दोगेटिकली मोडिफाइड इज एनी ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल हैज बीन बाय इंजीनियरिंग तो वो क्या बन जाएगा वो एक जीएमओ बन जाएगा फिर बीएमओ बनाते कैसे हैं तो उसमें आपने रिकॉम्बेट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो बताने हैं कि सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है फिर इंसर्शन ऑफ दैट जीन इन अ अवैक्टर का स्टेप होता है फिर हम ट्रांसफर ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म करते हैं देन वी ग्रो दैट जीएम और हम एक्सप्रेशन ऑफ द जीन देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आप इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दें तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन